गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वीडियो के टाइटल से एंड थंबनेल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के एक फेशियल सीरम का रिव्यू। तो उस रिव्यू को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, लास्ट आई थिंक दो महीना हो गया मुझे एक प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने शेयर किया था, दैट इज स्किन करेक्ट फेस सीरम। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी कॉमेंट्स आई थी कि आप प्लीज़ मामा अर्थ का जो स्किन प्लम फेस सीरम है उसका भी रिव्यू करो। तो आज मैं इसी प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जब स्किन करेक्ट फेस सीरम का रिव्यू किया था तो मैंने इसका 1 बॉटल चैलेंज एक्सेप्ट किया था। लाइक मैंने इसको 1 मंथ तक अप्लाई किया था एंड उसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी कि कैसे इफेक्ट देता है वो डे बाय डे स्किन पे। तो गाइस, अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है इस सीरम को लेके। बट गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मामा अर्थ के स्किन प्लम फेस सीरम के बारे में। तो इसके भी गाइस मैंने इस तरह से ही छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड की है ताकि आप लोगों को बहुत ईजी रहे फाइंड आउट करने में कि ये जो पर्टिकुलर सीरम है वो अपने फेस पे कैसे वर्क करता है, क्या वो ब्लेमिशेस को कम करता है, स्किन पे प्लमनेस लेके आता है, स्कार्स को कम करता है या नहीं करता है। तो जो हम इस तरह से आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं उसके अंदर मुझे लगता है ऑडियंस बहुत अच्छे से कैच कर पाती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनके लिए है या नहीं है। तो गाइस, इस प्रोडक्ट की डिटेल अच्छे से मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। एंड जो मैंने क्लिप्स ली है, इसको 3 वीक्स मैंने यूज किया था, 21 डेज का मैंने चैलेंज लिया। तो वो जो जो वीक मैंने इसको अप्लाई किया वैसे वैसे मैंने अपने कैप्चर किया था कि कैसा ये इफेक्ट देता है, तो वो पहले आप लोग देख लीजिए एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से रिजल्ट देता है या नहीं देता है। सो यस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये नॉर्मल आपको मामा अर्थ की जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है कार्डबोर्ड वाली, कलर कॉम्बिनेशन वैसी ही पैकेजिंग में मिलता है। दिस इज मामा अर्थ स्किन प्लम फेस सीरम जो आपको 30 ग्राम क्वांटिटी में मिलता है विथ होलिनरिक एसिड एंड रोजहिप ऑयल जो एक एजलेस स्किन आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं आपको कैसे यूज करना है। नॉर्मल आपको एक क्वांटिटी लेनी है, बहुत कम क्वांटिटी इसकी लगती है, पंप आप जो करोगे उससे ही आपका काम हो जाएगा। एंड प्राइस है इसकी ₹599। 2 साल आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिलती है। यस, ये इसकी ओवरऑल आउटर पैकेजिंग है। बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की, तो आपको इस तरह से ये पंप बॉटल में मिलता है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे ही आप पंप करोगे प्रोडक्ट बाहर आएगा एंड सी दिस कंसिस्टेंसी, बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लाइक बहुत जल्दी से स्किन के अंदर अब्सॉर्व हो जाता है, बिल्कुल ऑयली या स्टिकनेस नहीं लगती है फेस पे इसको अप्लाई करने के बाद। मोरोवर आप इसको दिन में भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे सीरम्स ऐसे होते हैं जिनको हम दिन में लगाते हैं तो फेस बहुत चिपचिपापन लगता है। सो यस, ये इसकी ओवरऑल पैकेजिंग है। सो गाइस, ये मेरे पास कल रिसीव हुआ है एंड प्लीज मेरी ये जो आई है इसको बॉदर कर लेना, मेरे थोड़ा सा लग गई थी इसलिए ब्लैकनेस हो रही है यहाँ पे, यू कैन सी। तो ये इसका कोई मैटर नहीं है, मेरे पास ये कल रिसीव हुआ था और मुझे जल्दी से जल्दी इसको ट्राई करके आप लोगों के साथ रिव्यू करना था। तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती कि ये चीज़ ठीक होगी उसके बाद मैं शूट करूंगी। तो वैसे भी मुझे इसको 3 वीक्स अप्लाई करना है, लाइक मैं इसका 21 डेज का चैलेंज ले रही हूँ। तो मैं आपको एक एक दिन तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको वीक का जो फर्स्ट डे है एंड लास्ट डे उस अकॉर्डिंग मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे मतलब कैसा रहा मेरा ये वीक का ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो गाइस, मैं इसको आप लोगों के साथ ही आज ओपन करूंगी एंड आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं जब इसको 4 to 5 o'clock के अराउंड जब मैं फेस वॉश करती हूँ वापस तब अप्लाई करूंगी, मैं नाइट टाइम में इसको नहीं लगाऊंगी क्योंकि नाइट टाइम में मेरा स्किन केयर रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं इसको दिन में 2 बार अप्लाई करूंगी। तो मेनली हमको ये देखना है कि कितना स्किन को रेडिएंट करता है, कितना अच्छे से प्लम इफेक्ट देता है हमारी स्किन को एंड जो हमारे दाग धब्बे हैं उन पर वर्क करता है नहीं करता। सो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे अच्छे वाले स्कार्स है यहाँ पे एंड इस वाले चिक पे भी है थोड़े बहुत, इस पे इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन उस वाले चिक पे है एंड ये चिन एरिया पे है। तो मैंने कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है, जस्ट मैंने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है, दैट्स इट। तो जो भी मेरा जो शूट रहेगा ये सारा मैं विदाउट मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो चलिए मैं आपको फटाफट से ओपन करके दिखाती हूँ। एज यू कैन सी, मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसी तरह की पैकेजिंग में आते हैं। मेरे को जस्ट नॉर्मल सा अमाउंट लेना है लाइक दिस, इसमें लिखा हुआ है आपको जस्ट पी साइज अमाउंट लेना है और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड मैंने फेस अच्छे से वॉश करा हुआ था अपना
स्मेल इज नॉट दैट मच गुड, अजीब सी स्मेल है। सी जल्दी से अब्जॉर्ब हो गया है स्किन के अंदर, आप देखो शायद 5 to 6 seconds ही लगे हैं मेरे को एंड अच्छे से स्किन के अंदर चला गया है। ये मैं अभी नहीं बता सकती कि कौन से स्किन टाइप के लिए अच्छा है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो मैं आपको 4 to 5 days के बाद बताती हूँ इसको अप्लाई करने के बाद। नाउ सो आप अच्छे से देख लीजिए मेरे फेस की जो भी कंडीशन है, और मैं इसी जगह शूट करूंगी हमेशा ये बेड के बाजू में, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। अदरवाइज जो भी मेरे वीडियोस होते हैं मैं इसी तरह से बताती हूँ सबको दिखा दिखा के, बट बोलते हैं आपका लाइटिंग इफेक्ट अलग है, आप अलग दिखा रही हो, आप ये दिखा रही हो तो बेटर है। ये मेरा बेड है और लाइटिंग इफेक्ट है, और ये जो जगह है यहीं पे बैठ के मैं आप लोगों के साथ हमेशा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ वो शेयर करूंगी। सो गाइज टुडे इज डे 7, और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसे दिन में 2 बार अप्लाई कर रही हूँ, मॉर्निंग में और दिन में दोनों टाइम। एंड यू कैन सी माय स्किन, मेरे यहाँ पे जो एक्ने के मार्क्स थे वो मुझे फेड आउट नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज ही है। और स्किन आप देखो इधर तो ऐसे ज्यादा थे भी नहीं, अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। आप लोगों के सामने मैं फिर से आज अप्लाई करने वाली हूँ, एंड बहुत छोटा सा अमाउंट लेना होता है आपको, एंड जस्ट डॉट करके आपको अच्छे सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करनी होती है। तो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि आप इसको लाइक लगा के बाहर भी जा सकते हो, इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो, क्योंकि नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। अदरवाइज क्या होता है, अदर जो सीरम होता है इनका, जो मामाअर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम है, वो थोड़ा सा स्टिकी फॉर्मूला है, तो उसको आप दिन में भी नहीं लगा सकते, मेकअप के नीचे भी नहीं लगा सकते। और मेरा ये वाला जो निशान था वो भी थोड़ा फेड आउट हुआ है, वो इसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन 7 days हो गए इसलिए थोड़ा लाइटन अप हो गया है। नहीं के मार्क्स थे वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जो मेरी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन थी वो मुझे थोड़ी सी क्लियर लग रही है। लेट्स सी, अभी 7 days ही हुए हैं, थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए इसको, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलती हूँ। सो गाइस आज मुझे इसको यूज़ करते हुए 2 weeks ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 1-2 दिन बचा है, लेकिन आप देख सकते हो मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया है। यू कैन सी जो मेरे स्कार्स थे वो भी वैसे ही है। फर्स्ट वीक में जब मैंने इसको 3-4-5 दिन अप्लाई कर लिया था, तब मुझे लगा कि शायद मेरी स्किन थोड़ी सी प्लम हुई है, रेडिएंट ग्लो आया है, बट एज सच मुझे कुछ लग नहीं रहा है, एज सच कोई इम्प्रूवमेंट है। तो जो नॉर्मल सा ग्लो हम फेस वॉश वगैरह करते हैं, क्लीन होता है हमारा फेस, डर्ट निकलती है, उससे भी उतना ही क्लियर नज़र आता है। तो वो जो इफ़ेक्ट मिलना चाहिए इसको यूज़ करने के बाद, वो मुझे अभी तक तो कोई लगा नहीं है। अब देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में स्कार्स दिखाए थे मेरे, वो रहे, ये भी हैं, एंड यहाँ पे भी उतना ही है, ये एक पिंपल नया हुआ है। अदरवाइज इस चिक्स पे तो इतना ज़्यादा सब कुछ था भी नहीं। मोर ओवर मेरा जो यहाँ पे मुझे लगी थी आँख के पास में, वो ठीक हो गया है, बट ये सब जो भी स्कार्स वगैरह की प्रॉब्लम थी वो इसके थ्रू मुझे नहीं लगा कि कुछ इतना ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक मुझे एज सच रिजल्ट लगा है इसका। बट अभी 2nd week ही है, मैं अभी 1 week और इसको अप्लाई करूँगी, तो लेट्स सी आज फिर से मैं अप्लाई करती हूँ आप लोगों के सामने ही। एंड जो रिजल्ट एक सीरम को देना चाहिए, लाइक सीरम क्या होता है आपकी स्किन के अंदर बहुत जल्दी से जाके पेनिट्रेट करता है, तो जितना इफेक्टिवली सीरम वर्क करता है ना, वो फेस क्रीम या कोई भी हम जेल वगैरह लगाते हैं वो इतना जल्दी काम नहीं करती है, बट सीरम आपकी स्किन पर बहुत जल्दी से काम करता है। बट अभी तक मुझे ऐसा कोई रिजल्ट लगा नहीं है, लेट्स सी 1 week और देते हैं हम, उसके बाद मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक मिलती हूँ। सो गाइज टुडे इज लास्ट डे, इट मीन्स कि आज मेरा 21 days का चैलेंज कम्प्लीट हो गया है, एंड यू कैन सी माई स्किन, मुझे कोई भी चेंजेस एज सच नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी मुझे स्कार्स दिख रहे हैं जो पहले थे, day 1 से थे, और इस फेस चिक पे भी एज सच आप देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ना मुझे ऐसा लगा कि स्किन में कुछ ग्लोइंग इफेक्ट आया है या प्लमनेस लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि एज सच 21 दिनों में तो इसने कुछ काम किया है क्या। वैसे भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने 2 times इन अ डे यूज़ किया था, तो 4 to 5 days और यूज़ आएगा। ये फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, जो है मेरी नेचुरल स्किन है जो आपने day 1 से देखी थी एंड 21 days। तो जस्ट मैं भी आप लोगों के सामने अप्लाई कर लेती हूँ इसको एक बार, एंड सी दिस, तो जो ये बॉटल है इसे मैं फिनिश कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज सच ये स्कार्स, ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन इन पे वर्क करती है। ये स्किन को हाइड्रेट करती है, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जल्दी से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, बट एज सच कोई भी रिजल्ट आपको नहीं देखती है अगर आपके कोई प्रॉब्लम है स्किन पे तो। See this. So yes, that's it.
गाइज इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप अगर 15 इयर्स की एज है आपकी तो भी आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। मोर ओवर ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, एक्ने प्रॉन स्किन वाले या जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है वो भी यूज कर सकती है। जस्ट ड्राई स्किन वालों को मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं कि ये क्या क्या क्लेम करता है, क्या इन क्लेम पे ये फुलफिल करता है या नहीं करता। तो बेसिकली इसके तीन क्लेम्स है, दैट इज ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके पोर्स को रिफाइन करता है, नेक्स्ट आपकी जो फाइन लाइंस है उसको रिड्यूस करता है। तो इसके गाइस दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज हाइलोनोरिक एसिड एंड रोजहिप ऑयल। तो रोजहिप ऑयल बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे स्किन के अंदर सेल्स होते हैं उनको साथ में लेके आता है, लाइक जो हमारे सेल्स दूर दूर हो जाते हैं जिसके कारण हमारी स्किन पे झुर्रियां आना शुरू हो जाती है या स्किन हमारी बहुत डल लगती है। रोजहिप ऑयल क्या करता है, जितने भी हमारे स्किन के अंदर सेल्स होते हैं उसको पास में लेके आता है ताकि हमारी स्किन एकदम से रिफ्रेश लगे, फाइन लाइंस ना लगे, रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो। एंड नेक्स्ट इज हाइलुरोनिक एसिड। तो बेसिकली आप अभी देखोगे मार्केट में जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो फेस सीरम्स आ रहे हैं, सब में आपको ये हाइलुरोनिक एसिड मिलेगा। तो बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, हमारी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली इसको प्रोड्यूस करती है। बट यस, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी ये हाइलुरोनिक एसिड बनाना बंद कर देती है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर टिश्यूज होते हैं, जितना भी हमारा फेस है या बॉडी है सब जगह हमारे टिश्यूज होते हैं। तो टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज में हाइलुरोनिक एसिड की कमी के कारण वाटर की कमी भी हो जाती है। तो जब हमारे टिश्यूज में पानी की कमी हो जाएगी तो हमारी जो पोर्स है वो थोड़े से स्प्रेड आउट हो जाएंगे, लाइक हमारे जो रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, वो उठ के दिखने लग जाते हैं, लाइक ये जो एरिया होता है अंडर आई वाला एरिया, ये वाला यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे जो आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस है वो जल्दी से दिखते हैं क्योंकि यहाँ के टिश्यूज बहुत जल्दी से अपना वाटर कम करते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, जो हमारे टिश्यूज के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करके रखता है, उसमें कमी नहीं आने देता है। तो आपकी स्किन का जो अपीरियंस है वो बहुत अच्छे से स्मूथली दिखता है बाहर। तो मेन बेसिकली इसके दो इंग्रेडिएंट ही है, बट एज सच गाइस मुझे इसको यूज करते हुए 20 डेज हो गए हैं, बट मुझे एज सच नहीं लगा कि ये इतना ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू स्किन करेक्ट फेस सीरम। इसका गाइस मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, लाइक कि आपके स्कार्स पे भी वर्क करता है, आपके जो भी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करता है। गाइस इसको लगाने के बाद सिर्फ मुझे ऐसा फील हुआ कि स्किन को एक हाइड्रेशन मिल रहा है, दैट्स इट। तो अगर आपकी 30 है, 40 एज है तो मुझे नहीं लगता कि ये सीरम एज सच आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। बट यस, अगर आप टीनेजर्स हो, लाइक आप 20 बिलो हो, तो आप ये यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। रोजहिप ऑयल है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो नेचुरल से इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हो सकते हैं। बट अबाउट 25-30 एज मुझे नहीं लगता है कि एज सच इतना वर्क करेगा। मोर ओवर मुझे एज सच रिजल्ट मिला भी नहीं था जैसा कि आपने क्लिप्स में देखा था। यस, रही बात अगर रीपर्चेज करने की, तो मैं फॉर श्योर स्किन करेक्ट फेस सीरम को रीपर्चेज करूंगी। बट ये वाला जो सीरम है ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो गया है, 5-7 डेज और लग जाएगा। बट जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो इससे मुझे नहीं लगा कि दूर हुई है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि अगर आप अपनी स्कार्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, अपनी स्किन के एक ग्लो इफेक्ट के लिए अगर आप सीरम लेना चाह रहे हो तो आपको ये लेना चाहिए। बट यस, अगर आप एक हाइड्रेशन के लिए कोई सीरम लेते हो, नॉर्मल आप लगाना चाहते हो कुछ अपने फेस पे, एज सच कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है आपको, तो यू कैन गो फॉर दिस। सो यस गाइस, ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट मामा अर्थ स्किन प्लम्प फेस सीरम, जो मैंने ऑनेस्टली दिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस था विथ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे गाइस, कुछ मीनिंगफुल लगे इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।